अभी के टाइम में बिजली हर इंसान को ज़रूरत हो गई है। बिजली के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप आयरन करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप बल्ब जलाना चाहते हैं तो आप नहीं जला सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है कनेक्शन नहीं है। तो आपको जो मैं इस वीडियो में यही बताया हूँ कि किस तरीके से आप बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तरीका जो है सेम ही है, बट जो है प्रोसेस जो है व्यवसाय जो है हर स्टेट का अलग अलग है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से जो है आप यूपी में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यूपी में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। प्रोसेस जो है सेम ही है, लेकिन हर स्टेट में जो है वेबसाइट अलग अलग है। मैं आपके इस वीडियो में स्पेशली आपको ये बताया हूँ कि आप किस तरीके से यूपी में आप बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद ही आपको बिजली ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपको मीटर वगैरह मिलेगा और आपको जो पेमेंट वहाँ पर बोलेगा देने के लिए वो आपको पेमेंट दे देना है। इसके बाद वहाँ से आदमी आएगा, आपके घर पे मीटर वगैरह लगा देगा, इसके बाद जो है आपका जो है कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो कैसे आपको जो है यूपी में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में नया कनेक्शन लेने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में एक वेबसाइट टाइप करना होगा। आपको वेबसाइट में टाइप करना होगा uppclonline.com। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कंज्यूमर सर्विस, आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउनलोड फॉर्म इंग्लिश हिंदी, तो इसको फॉर्म को डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लेंट का जो भी वैल्यू एडेड सर्विस है वो आपको यहाँ पर कंप्लेंट का स्टेटस वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। बिल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट ऑनलाइन पेमेंट का जो आपका है जो किए हुए हैं उसका भी पेमेंट का आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने कब पेमेंट किए हुए थे। आप जो भी यहाँ से नॉलेज के लिए अपना मीटर को जो भी यहाँ से लिए दिए हुए हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आने के बाद यहाँ न्यू कनेक्शन स्टेटस के आप न्यू जो कनेक्शन लिए हैं इसका स्टेटस क्या है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक नया कनेक्शन लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, आपको इस पर ओके करना होगा। जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका फोर ऑप्शन दिया दिखलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डिस्कॉम नेम देना है। उत्तर प्रदेश में चार कंपनी है जो बिजली सप्लाई करती है, पश्चिमांचल, मध्यमांचल, दिशामांचल और क्या है पूर्वांचल। तो ये चार कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में चलती है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं उसी कंपनी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यूपी वेस्ट में रहते हैं तो आप पश्चिमांचल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से जिसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवीज़न के लिए बोलता है चूज करने के लिए। आप सिंपली इसमें से अपना डिवीज़न चूज कर लेंगे जो भी आपका डिवीज़न पड़ता है। तो यहाँ से यूपी वेस्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसको जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद कुछ आपको सामने कुछ इस तरीके से फिर ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि SDO ऑफिस का अब डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे SDO ऑफिस का नेम चूज कर लेना है। जो भी आपका SDO ऑफिस है आपको सिंपली इसको चूज कर लेना है। जैसे चूज कीजिएगा आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा जो आपके सामने देख रहे हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। अगर आपको SDO ऑफिस का नेम नहीं पता है तो आप अपने बिजली घर से SDO ऑफिस का नेम पता करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अपना कंज्यूमर टाइप चूज कर लेना होगा। आप जो BPL में आते हैं, डिपार्टमेंटल में आते हैं या अदर में आते हैं तो आप यहाँ से अदर चूज कर लीजिए। कितने वाट का आप मीटर लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ये ओपन होके आता है क्योंकि ये जो अपलोड करता हूँ तो ये
और रिफ्रेश होकर आता है। तो यहाँ से आप कितना किलोवाट का लेना चाहते हो आप इसमें से चूज कर लीजिए। चलिए हम 1 चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट कर दीजिए। तो आपके सामने ये ऐसा एक फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन एड्रेस देना है जहाँ पे आप मीटर लगवाना चाहते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और इंस्टॉलेशन एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो सिंपली यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना पूरा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सप्लाई का पर्पस चूज करना होगा। यहाँ पे आप डोमेस्टिक चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसमें से डाल सकते हैं। तो आप इसमें से DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उदय, राशन कार्ड, वोटर आईडी, तो आप इसमें से जो भी देना चाहते हैं इसमें से आप चूज करके डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड के लिए आप यहाँ पे UID चूज करेंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ प्लेस टाइप में रूरल या अर्बन टाइप करेंगे। अगर आप गांव से हैं तो रूरल चूज करेंगे, अगर शहर से है तो अर्बन चूज करेंगे। इसके बाद आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, NOC, ऑनर कॉन्सेप्ट लेटर और वर्क कंप्लीट सर्टिफिकेट। तो आपको ये 3 फॉर्म है आपको अपलोड करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली आप ये इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC अपलोड करेंगे, यहाँ ऑनर सर्टिफिकेट, यहाँ वर्क कंप्लीट सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आप चाहें तो इसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद या स्किप करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक समरी ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ जाएगी, कितने बार का आप कनेक्शन ले रहे हैं वो आ जाएगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50 रुपये का आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इस सारे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ बोला जा रहा है कि अकाउंट नंबर कॉल नॉट बी जनरेटेड एट दिस पेज, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर कनेक्टरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस विथ योर न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट या ट्रैकिंग नंबर। आपका जो ये है ट्रैकिंग नंबर आपको दे दिया है और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके बगल में अगल बगल में जो यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं वहाँ पे आप जाके न्यू कनेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो सिंपली आपको ये ट्रैकिंग नंबर ऑलरेडी आपका अप्लाई हो चुका है, आप ये नंबर लेके जाइएगा ऑफिस में, वहाँ पर आप ये नंबर दीजिएगा, इसको अपना जो पैसे 50 रुपया है वो दे के आप बहुत आसानी से न्यू कनेक्शन के लिए वहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको जो भी फी आपको बोला जाएगा वो आपको वहाँ पर जमा करके आपको एक नया कनेक्शन आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सो गाइस, आपने इस वीडियो में ये सीखा कि किस तरीके से बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप UP में कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है यूपी में बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।